अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज इकबाल देशमुख एंड आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। सो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने कुछ सोचा तो नहीं था और ना ही सोचा था कि आप लोगों के सामने मैं खड़ा रहूँगा और स्पीच करूँगा। इसलिए मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उसने इस काबिल बनाया, और उसके बाद मैं यहाँ की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इन्होंने कुछ कहने का मौका दिया। नाज़रीन, मैनी पीपल नो दैट व्हाट इज एजुकेशन, बट मैनी पीपल डोंट नो दैट व्हाई वी शुड गेट एजुकेशन। कि बहुत से लोग जानते हैं कि तालीम क्या है, पर बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि हमें तालीम क्यों हासिल करना चाहिए। आज ना मैं स्पेशली पेरेंट्स को ये कहूंगा कि क्यों जब बात आती है बेटियों की तालीम की, जब बात आती है बेटियों को पढ़ाने की, तब वो क्यों अपने कदम को पीछे करते हैं, कि क्यों वो क्यों ये सोचते हैं कि हम बेटियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, क्या फायदा है बेटियों को पढ़ाकर, क्यों वो ऐसी सोच रखते हैं। कभी बोला जाए कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं तो कहते हैं कि क्या करेंगे इनको पढ़ाकर, कौन सा हम इनको नौकरियों पर भेजने वाले हैं, या कौन सा ये पढ़ लिख कर कुछ नौकरी कर लेगी, ये सोच क्यों आती है। मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि लड़कियों का पढ़ना लिखना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। वो ये है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी तालीम दे सके। अगर आप किसी लड़की को पढ़ाते हैं, आप आने वाली पूरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं। एक एजुकेटेड मदर बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, उनको अच्छी परवरिश देने के लिए, उनको अच्छी वैल्यू देने के लिए। और हर एक चीज में एजुकेटेड मदर आने वाली नस्ल के लिए हर तरीके से अच्छी है, और आने वाली सारी नस्लों की जिंदगी बन जाती है। एजुकेशन हेल्प्स टू बी अ बेटर पेरेंट्स। आज के टाइम में बहुत जरूरी है पढ़ना लिखना। आज के टाइम पे सब चीजें डिजिटल हो गई हैं। ज्यादातर स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। अगर इंग्लिश नहीं तो और भी लैंग्वेजेस हैं, पर जब तक इंसान पढ़ लिख नहीं पाएगा तो वो इस डिजिटल टाइम में सर्वाइव कैसे कर पाएगा। अगर आपको कुछ भी ऑपरेट करना है या इंटरनेट पर ही कुछ देखना है तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पर अगर कोई लड़की नहीं पढ़ती लिखती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, स्पेशली इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में। नाउअडेज विदाउट एजुकेशन वी कांट डू एनीथिंग। तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, तालीम सही गलत का फर्क है, अच्छे बुरे की तमीज और माशरे में बैठने उठने का तरीका है। इट डेवलप्स द पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान का पहला वर्ड इकरा है। कुरान का पहला हर्फ इकरा है। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, मीन्स रीड। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसमें एजुकेशन को, नॉलेज को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। अगर हमारा रिलीजन ही इस बात को प्रमोट करता है तो हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले। और स्टूडेंट के लिए सर एक अचार मैं कह देता हूँ सभी के लिए, कि तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल कहा मुश्किल का आशा होना। तू पूरी दुनिया का हुकूमत करेगा ऐ मुसलमान, अगर तू समझ जाए तेरा मुसलमान होना। माशाल्लाह।